सो गाइस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में एंड में एक सरप्राइज है, तो देरी किस बात की, जल्दी से आओ, लाइक करो और सब्सक्राइब को भी ठोको एंड या गेम प्ले वीडियो तो सपोर्ट दिखाओ। तो ये व्हाट्सएप इंडियन लोग बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और आप सोच रहे होंगे ये मैं कहां पे हूं, अभी बजा है। तो हां मैं हूं अभी वन चंक वर्ल्ड में, यानी कि इस वर्ल्ड में सिर्फ एक चंक होगा जिसके अंदर मेरे को सरवाइव करना होगा। और अगर आप चाहते हो इस मैप को डाउनलोड करना तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो यार हम आ गए इस वर्ल्ड में। आप सबसे पहले मेरे को ये घर चेक करने, क्योंकि यार ये घर ऐसी फालतू के बना रखे हैं या फिर इसमें कुछ है भी, मेरे को लगता तो नहीं। और यहां पे एक चेस्ट है और इस चेस्ट में यार एक बुक है और ये पांच आयरन मिल गया, बहुत बढ़िया। मतलब आपको फिलहाल ये जो बुक मिली है इस बुक को कर लेते हैं, क्या पता कोई हिंट मिल जाए। जैसा मैंने सोचा था फालतू है। क्या ये मैं विप्स ने बनाया, पर मैंने तो यार कहीं और से ही डाउनलोड करा। कितने पागल मैप वाले हैं, स्टार्टिंग में ही पांच आयरन दे दिया, चलो कोई नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही है। माइनक्राफ्ट में तुम कितने भी प्रो हो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें लकड़ी तो तोड़नी पड़ती है। क्या मतलब मैं प्रो नहीं हूँ, कौन बोला? मुझे पता नहीं क्यों क्यों बनना पड़ रहा है, पर बुक अब तुम और नहीं ले सकते। अच्छा हमको सिखा रही है। इस घर में देखने जरूर कुछ होगा। अबे यार खाली है, खाना चाहिए मेरे को। सॉरी गैया लोग, मेरे को तुम्हें मारना पड़ रहा है। इन गाय लोग के लिए प्लीज एक लाइक करो। ये भी सोच रही होगी मेरे नाम पे लाइक मांग रहा है। टाइम है कुछ क्राफ्टिंग करने का। बड़े क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे तो नहीं लग रही, कहीं एक अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ पे लगा देता हूँ, चलो मैं लगता हूँ काम पे। बना ली थोड़ी तो लगेगी, मेरा दिमाग तो खराब हो गया। लेकिन आपका नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करो। इतनी सारी हेबिल्स दे रखी है, इसका मतलब तो यही होगा कि अगर मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे वहाँ पे खाना ही नहीं होगा, इसलिए पहले इनको ही कलेक्ट कर लेता हूँ, यार काम आएंगी। चलो यार अब टाइम है नीचे जाने का, नीचे भी तो चल के देखे आखिर है क्या। वो भाई शर्म करो, भगवान से डरो, सब कुछ भी हो जाए सबसे पहले इसको तोड़ो और इसका काम खत्म करो। बस आयरन तो यहाँ पे भर गया बेटे। मेरे पास अब इनफ आयरन हो गया है, यहाँ से अब मेरे को इसमें कुछ रहने की वो नीड नहीं है। यहाँ देखो गाइस बाहर का पूरा दिख रहा है, एक चंक है। और जो हमने वीट बनाया यार, मतलब उसका ब्रेड तो बना ले, इसको निकाले यार, इसका फायदा भी दो। मेरे ख्याल से ब्रेड तो इनफ है, इसको लास्ट तक रख सकते हैं। तो रेडी हो जाओ गाइस, अब हम नीचे भी जाने वाले, देखेंगे कि अगला जो है हमारा नीचे का चंक, यानी क्या बोले उसे भाई, जो भी बोलते हो, लेकिन यार नीचे मैं समझ गया हूँ 1.18 की चीजें होने वाली है, केविन क्लिप्स वगैरह। तो चलो गाइस जल्दी से हम ये सारा अपना तोड़ लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल को भी उठाओ और भाई नीचे वाले में जल्दी से चलो। तो नीचे अभी मैंने होल कर दिया, मेरे को दिख रहे हैं भाई 1.18 के ब्लॉक हैं और कूद गए भाई, ज्यादा सही नहीं है, मतलब नॉर्मल है। जियामेथिस्ट का भी है, इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन ये लेके मैं क्या करूंगा। और भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, क्यों बना रखा है, माइनिंग शाफ्ट सी है, खत्म है यार। वैसे इस मैप को खेल के मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको इसके अंदर कुछ मिला था यार, मेरे को तो कुछ मिल नहीं रहा है। ग्लो बेरीज है यहाँ पे, लेकिन मैं इसका करूंगा क्या, मेरे पास तो पहले से इतनी सारी ब्रेड है। A few moments later. चलो यार अब नीचे चलते हैं, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। होप के नीचे से अच्छी सी, वो भाई पानी आ गया, वो यहाँ पे कुछ अलग मिल सकता है मेरे को, हो सकता है कि यहाँ पे कोई, ओ मेरी यार यहाँ पे सांस कैसे लूंगा मैं। वैसे ऊपर मुंडी ट्रिक करने वाली काम तो कर रही है ट्रिक, लेकिन भाई कब तक करूंगा ऐसे, बहुत देर हो गई और मैं ऐसे भटकता रहा, मेरे को कोई रास्ता नहीं मिला कि मैं कैसे सांस लूंगा। और लेकिन तभी मेरे साथ ये हुआ। ओ यार यहाँ पे चेस्ट भी तो है भाई, ये सही मौका, इस वक्त खोल के देख लेता हूँ। ये क्या हेलमेट भाई, रिस्पिरेशन भाई, ये क्या है, ये टॉप की रिस्पिरेशन, पहले ऊपर जाओ सांस लो। और यार रिस्पिरेशन शायद मैं वाटर ब्रीथिंग ले सकता हूँ इसके थ्रू, भाई इसको चेंज करो पहले। अब सही है। ओ यस वाटर ब्रीथिंग आ गई, अब तो यार आराम से घूम सकता हूँ यार, वाटर ब्रीथिंग आ गई, मजाक थोड़ा चल रहा है भाई। यार क्या यहाँ पे डोर था और मैं इतनी देर से सांस के लिए घूम रहा था। ओ भाई ये कितने इंचेंटेड ओपी सामान है भाई, यहाँ पे एक ये पफर फिश है और ये ट्राइडेंट है भाई, ट्राइडेंट ले लो, मेरे को पक्का पता है बहुत काम आने वाला है हमारे। ये वाली बायो तो यार बुरी छान मारी, इसके अंदर कुछ नहीं है यार, नेक्स्ट में चलो, मेरे को तो यार अगली देखने, अब मेरे को इसी में मजा आ रहा है भाई। मेरे को पहली ज़ॉम्बी वगैरह की आवाज आ रही, नीचे मैंने ट्राइडेंट रख लिया। ओ भाई डिजर्ट बायोम क्या चल रहा है ये, इसका मतलब समझा कि यार यहाँ पे ट्रेजर भी होगा, जब भाई यहाँ पे टेंपल है तो ट्रेजर तो होएगा ही ना इसके अंदर। तो फाइनली टेंपल के अंदर आ गया, अब यार यहाँ से हम नीचे, क्या नेदर भाई यार क्या सोचा था, क्या हो गया, ट्रोल हो गया यार मेरे साथ। वाटर बकेट भर के लाएंगे, देखना तुम्हारा भाई कितना प्रो है, जल्दी जल्दी से भर लो यार। अरे आ गई, चलो अब देखना कितनी मस्त वाटर बकेट करूंगा, 1 2 3 और ये कोई कुछ नहीं बोलेगा।